ऐसा हुआ क्या? बात तो बता क्या है? बोल ना यार, कहाँ जा रहा है? अरे निकल जाएगी यार। कौन? वो सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गया यारो इसको लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। मुबारक हो, मुबारक हो दोस्तों। आज हम सब एक ही कश्ती के सवार हो गए हैं। हमारे बीच में सिर्फ करण बचा हुआ था, लेकिन इसे भी उस अनजान हसीना ने अपना दीवाना बना दिया। ए, तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस एक बार उस लड़की से आमने सामने बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आखिर तुम कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा, तुम्हारा मेरा संबंध क्या है जो एक पल के लिए भी तुम्हारे ख्यालों से दूर नहीं होती। क्यों तुमने मेरी रातों की नींदें चुरा ली है? करण मेरे लाल, तू तो पूरी तरह उसके प्यार में बह गया रे, है ना? है ना? है ना? अच्छा ये तो बता, उसकी कैटेगरी क्या है? कैटेगरी? ओ प्रोफेसर चीकू, वक्त आ गया है कि आप इनको लड़कियों की कैटेगरी और उनके जनरल नॉलेज के बारे में एक प्यारा सा लेक्चर दें। स्टूडेंट्स, हमारे कैंपस में कुल मिलाकर 7 गर्ल्स कॉलेज, 6 जूनियर कॉलेज और 14 को एजुकेशन कॉलेज, जिनमें कुल मिलाकर पढ़ती है 14,810 लड़कियां। इनकी होती है अलग अलग कैटेगरी, जिनके बारे में इस नए छात्र को मैं अब सिखाऊंगा। पहली कैटेगरी है ए, यानी कि डीलक्स कैटेगरी। इस कैटेगरी की लड़कियों की तारीफ के बारे में मैं कौन से पुल बांधू, वैसे भी दिल्ली में पुल बहुत ज्यादा है, मेरे पास शब्द बहुत कम है। इस कैटेगरी में 2,810 लड़कियां। दूसरी है बी कैटेगरी। इस कैटेगरी में लड़कियों की संख्या 3,445। इन्हीं की वजह से चलते ये सारे कॉस्मेटिक और ब्यूटी पार्लर्स, ये ना होती तो ब्यूटी पार्लर्स पर बड़े बड़े अलीगढ़ ताले लग जाते। इनकी वजह से तो लिपस्टिक पाउडर कॉस्मेटिक वगैरह 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 की। तीसरी कैटेगरी है सी कैटेगरी, सबसे तुच्छ कैटेगरी, ट्रेन के थर्ड क्लास के डिब्बे की तरह ये है इनकी कैटेगरी। इस कैटेगरी में ठूस ठूस के भरी है सबसे ज्यादा लड़कियां, यानी कि 4,445। अब इन लड़कियों को किसी भी एंगल से देखो लड़कियां नजर आती नहीं है। थैंक यू प्रोफेसर शंकर महादेवन, डोंट बी ब्रेथलेस। अब बता तेरी कैटेगरी कौन सी है? ए कैटेगरी। मर गया बेटा। अबे आई बिलोंग फ्रॉम सी कैटेगरी। सी कैटेगरी की लड़की के चक्कर में मेरे आधे बाल उड़ गए और तू ए कैटेगरी की लड़की के चक्कर में पड़ा है, पता नहीं तेरा क्या क्या उड़ जाएगा। चीकू, मुझे उस लड़की से हर हालत में मिलना है। अरे मेरे लाल, जिसका नाम नहीं पता, जिसका पता नहीं पता, उसे कहाँ ढूंढेगा, कहाँ तलाश करेगा? तू भी चल बेटा, आरती शुरू होने वाली है। माँ तो जाना, मैं आरती में क्या करूँगा? ऐसा नहीं कहते बेटा, सच्चे मन से प्रार्थना करेगा तो जो मांगेगा मिलेगा। जो मुझे चाहिए वो मंदिर में थोड़ी ना मिलेगी। मिलेगी? मेरा मतलब है मिलेगा। चल बेटा, नहीं तो फिर अपने पापा से डांट खाएगा। अरे वो तो उनकी रोज की आदत है। माँ तो जाना, अब आरती शुरू होने वाली है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए। सिमी, ये पूजा कहाँ चली गई? एक्सक्यूज मी, आपका नाम करण है? यस। yes. आपको कोई बुला रहा है? करण, 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 तू यहाँ बैठा है, तेरे पापा कब से चिल्ला रहे हैं? चल पूजा का टाइम हो गया है। माँ तूने सच ही कहा था, पूजा करने से सब कुछ मिल जाता है। थैंक्स मॉम फॉर ब्रिंगिंग मी टू मंदिर। ब्यूटीफुल टेम्पल, कितनी सारी तस्वीरें मिल गई। चलो चलो, बहुत देर होगी, कम ऑन लेट्स गो। चलो वो देखो। ए, नालायक, मंदिर में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अरे वहां क्या है? डैडी, चल आरती कर। निकम्मा, Oh,
अरे यार मन्नू, फ्रेंड्स कॉलोनी तक ड्रॉप कर देगा क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है मेरा यार। क्यों, पेट्रोल क्या पिताजी ने डलवाया? जा बस से चला जा। यार 12 बजे का टाइम है, 12 यही बज गए हैं। अरे रो क्यों रहा है, घबरा मत, तेरा काम हो गया। वो आ रहा है मासूम फरिश्ता। हाय करण। हाय। क्या बात है, आजकल मार्केट में तेरे बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। क्यों? सुना है तू किसी लड़की को ढूंढ रहा है, मिली क्या? नहीं यार। स्वपन लोग गया था क्या? वहाँ क्या है? अरे वहाँ हर सैटरडे आफ्टरनून जैम सेशन होता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। शहर की तमाम लड़कियाँ वहाँ जाती हैं। वहाँ जाकर क्यों नहीं ट्राई मारता? कहाँ है बिल्डिंग? फ्रेंड्स कॉलोनी में। ए रुक यार, ये भी वहाँ जा रहा है, जरा इसे ड्रॉप कर देना यार। श्योर। जा। हाँ। जा यार। यार बन गया बेवकूफ बेचारा बकरा।